ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराखों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महाअर्थ को व्याख्यित किया, महाअर्थ को व्याख्यित किया। सराको धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, सीएस संदीप कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अनुश्री जैन, चिराग जैन, A251252 लाल कोठी स्कीम, वर्धमान पथ, न्यू विधानसभा के पास, जयपुर 302015, राजस्थान। और उलझनों को सुलझाना यही तो है धर्म की ताकत, यही तो है पंच परमेष्टि भक्ति का प्रभाव, यही तो है उस साहस और हिम्मत का प्रभाव। अपने आप अपने मन में हीन भावना निकालिए। यहां जितने श्रोता बैठे हैं सबके मन में हीन भावना है। क्यों इतने कमजोर अपने आप को मानते हो तुम? स्टूडेंट मेरे पास टूटे टूटे आते, डिप्रेशन वाले बहुत आते हैं, बिल्कुल टूट जाते जीवन से, बस आत्महत्या करना है। क्यों करना आत्महत्या? क्या बात होगी? 97% मेरी आए। अरे आए कोई बात नहीं निकल पाए कोई बात नहीं, मन निकल लेते। क्यों इतने टूटती हैं? होता क्या है, स्टूडेंट पढ़ाई वाला है, वो दिन भर उसी में लगा रहता, और चीजों से सब एक्टिविटी छोड़ दी। हर तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए जीवन में। अगर आपको हल्का होना है और कर्म को पराजित करना है या शुभ कर्म को पराजित करना है, प्रसन्न रहना सीखिए, प्रकृति के निकट में आना सीखिए। ये धार्मिक उत्सव, ये धार्मिक क्रियाकलाप मैं देखता हूं सुबह और शाम को रात्रि के समय बहुत माता पिता छोटे छोटे बच्चों को लेके साथ आते हैं, और मैं उन बच्चों से, इसलिए कल भी संडे के दिन थे, कल बहुत लोग कह रहे 150-200 लोग होंगे, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां बहुत आहार देने वाले थे। ये संस्कार बनेंगे, ये हिम्मत लाएंगे, और ये है हिम्मत ही पता नहीं अशुभ को कैसे पाप को पुण्य में बदल सकती है। भैया गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, देखने वाले कहते हैं गाड़ी तो चूर्ण हो गई, कोई इसमें बचा नहीं होगा, लेकिन हमारे खरोंच नहीं आई, किसी मुनि महाराज को तुमने आहार दिया है या कहीं आहार देखा है, इसलिए कहीं तुमने अभिषेक किया होगा, पता नहीं किस भव का अभिषेक के पुण्य परमाणु और आड़े आ गए कि गाड़ी, तो आप कई बार सुनते हो गाड़ी तो पलटियां खाई, चूर्ण हो गई गाड़ी का पूरा, और बैठने वाले सुरक्षित। धर्म में बहुत ताकत है। अब आपको तो तत्काल चाहिए, अभी दशहरा लंगड़ी बंबई बो और शाम को चूस लो,
ऐसा कोई नहीं है हमारे यहाँ। आगरा में कुछ सॉफ्टवेयर बना दिया हो तो ऐसा बन गया हो, ऐसा नहीं है कि तुम सुबह गुठली को बो और शाम को चूस लो। हमें तत्काल चाहिए, हमें जिंदगी होगी पूजा पाठ करते करते। अरे जिंदगी होगी और अनंत काल से तेरे पाप अन्याय अत्याचार क्या किया है तेरे। तो विपरीत परिस्थितियों में परिवार के लोग विपरीत भी हैं तो सोचता है मेरे अशुभ कर्म का उदय है कि नंद मेरे से हमेशा दुखी रहती है, मेरे व्यवहार से खुश नहीं है, या जेठानी मेरे बोलचाल से खुश नहीं है, या बड़ा भाई सारा हड़प ले गया तो सोचता है कोई कर्जा होगा। कोई बात नहीं है, हमारी बजाओ में ताकत होगी तो हम फिर पुनः कमाएंगे। अरे बंटवारे में सब प्रॉपर्टी तुम्हें मिल गई, उसी रात में चोरों को पता पड़ा, आतंकवादी आ गए और सब साफ कर गया, अब कहाँ जाएगा बेटा। अरे तेरे भाग्य में वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो तेरे भाग्य में नहीं है तो बंटवारे में मिल जाए, कितना कुछ हो जाए। आदमी को लक्ष्मी आने में तो टाइम लगता है और जाने में तो एक सेकंड। हेलो मार्केट डाउन हो गया बेड़ा गर्क, ये तो बड़ी बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूं आपसे। एक क्षण में अब नीचे आता है और एक क्षण में उद्योगपति ऊपर जाता है। ये सब संसार की विचित्र दशा है। कहना ये चाहता हूं आपसे कि कर्म सिद्धांत का अपना एक प्रभाव है, आपकी सोचने का तरीका जैसा हो वैसे आप बन सकते हैं। अब आपने चश्मा जैसा लगा लिया हो, अगर धर्म का चश्मा लगा है तो दुनिया पापी भी अच्छे नजर आएंगे, और अधर्म का चश्मा लगा दिया है तो धर्मात्मा भी आपको, ये तो आपकी सोच है। सामने वाला कोई अच्छा बुरा नहीं है, अच्छा बुरा तो हमारी सोच अच्छा बुरा बनाती है। सोचने का तरीका जो बदलता है उसी का नाम तो धर्म है। जो सोच का तरीका बदले, बिल पावर आप में कई बार आपसे कहता हूं आपकी सोच नहीं बदलती है। आपको इतने पूजा पाठ करते हो गए, महाराज को आहार देते देते हो गए, अथवा मंदिर जाते जाते हो गए, आपकी सोच क्यों नहीं बदलती है? तब देखो तब टेंशन, माइग्रेन, आधा सिर दर्द, क्यों टेंशन? ये टेंशन है क्यों? ये टेंशन आपकी सोच के ऊपर है। जो है उसका आनंद नहीं लेंगे, लेकिन जो नहीं है उसी को दिनदास सोच सोच के सारे पुण्य को पाप में बना देते, सारे शुभ को अशुभ में बना देते। अरे जो सामने है रूखी सूखी उसका आनंद लो, भोजन पे बैठे हो सारे विकल्प छोड़ो, केवल भोजन संबंधी। अब किसका देना है किसका लेना है, जिसका जो होगा सो होता रहेगा। मंदिर में आए तो मंदिर का आनंद लो, मंदिर से बाहर निकलने सोचेंगे। प्रवचन में बैठे हो तो क्या होगा कैसे होगा, इसका जो होगा सो होगा, प्रवचन का आनंद लो। आप आनंद नहीं लेना चाहते हो, आपको तो दुखों की अनुभूति कष्टों की अनुभूति, अप्रसन्न रहना और रोते रहना। क्या हुआ, किसी ने उन पर राख फेंक दी, अंगरक्षक उनके साथ वाले भक्त एकदम उबल गए, पकड़ लिया। क्या समझता तू महात्मा जी पर, और तेने राख फेंक, बात क्या गर्म क्यों हो गया, बात क्या है? अरे भैया इस सिर को तो अग्नि में देते हैं, लोग जला देते हैं शमशान घाट में, उसने तो राखी फेंकी है, क्यों इतने तुम उतावले हो रहे हो? अनंतानबंदी चौकड़ी कहां से खरीद के लाए हो, क्यों गुस्सा हो रहे हो? क्या हुआ, दोनों की सोच है। उन्हें था कि हमारे गुरु जी पे हमारे महात्मा जी पे और ऐसा इसने किया है, अभी जवाब देती हैं। और जो समता के धनी थे संत महात्मा थे, उनके जीवन में समता थी, निमित्त तो एक मिला है दोनों को, एक तो आग बबूला हो रहा है और एक बिल्कुल बर्फ का गोला ठंडा हो रहा है। वो चाय नहीं पीता है, घर में टीवी नहीं है, प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, और अपने भक्तम बोलना मैं कितना व्यस्त हूँ कैसी भी हो, लेकिन पहले प्रभु का भजन करता हूँ बाद में भोजन करता हूँ। हम आगरा वाले पहले भोजन और बाद में वही भजन कहाँ हो जाएगा। आगरा की माने जनरल बात बता रहा हूँ, आगरा में बैठा हूँ इसलिए आपकी बड़ाई कर रहा हूँ। पूरा प्रवास की पत्नी भी देवता, माने समझ नहीं आता, इतना बड़ा अधिकारी हो, बिल्कुल अहंकार नहीं, और
वो उसके शब्द आप सुनो, उसकी श्रद्धा आस्था आप देखो। सुबह ही मुझे बहुत लोग बताते हैं, सुबह ही मोबाइल पे सबको संदेशा पहुंचाता रहता है महाराज का। यूट्यूब पर बहुत चीज़ें डाल रखी हैं और कितने लोगों को और कह रखा, कल भी ये गए कोई दिक्कत हो प्रभु के भक्त को मेरे से मिलो। कितने ऐसे प्रसंग बने और जो पहुंचा तो उसके काम, तो जो उसकी सीमा है मर्यादा है, बड़ा अधिकारी है और जीएसडी का अधिकारी डिप्टी कमिश्नर होना आप लोग ज़्यादा समझते, हम लोग तो इतना नहीं समझते हैं। तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसने टीवी का कनेक्शन नहीं लिया है। मैं कहता हूँ तुम जैन हो, वो हम अपने स्वार्थ के लिए, बच्चों का भविष्य कुछ भी हो, हमें तो अपनी शौक पूरे करने। मैंने घर में चाय नहीं पिए, प्याज जैसी चीज नहीं खाए, इतना बड़े पद पे पहुंचने वाला एक जैनेत्र व्यक्ति, यह है संस्कार। एक से एक मैं देखता हूं जैनेत्र लोगों में, एक से एक लोग वो है, इतना सात्विक है, अहंकार नाम की चीज ही नहीं है। वो हमें तो जरा सी कोई बात हो जाए क्या समझता है हम, तो वो अपने आप को नौकर कहता है, भैया कमिश्नर तो ये महात्मा जी हैं, हम काय के, हम तो एक नौकर हैं, चाकर हैं। तो निश्चित ऐसे आदर्श में दंपतियों से, परिवारों से हम सबको सबक सीखना चाहिए। कल जो वैज्ञानिक आए, चार बोलमों की वाचन, कल स्वाध्याय भी हम लोगों का नहीं हो पाया और मैंने लोगों से कहा भी बाहर बैठो, गेट तो मैंने खोल दिए थे। तो चार बोलमों की चर्चा हुई, चार सब्जेक्ट थे, उन चार सब्जेक्टों में गणित बहुत अच्छी, उनने 100-150 पृष्ठ में पूरे वर्ल्ड में जितना गणित पे काम हो रहा है, विदेशी लोग, जैन लोग, जैनेत्र लोग, जितने ग्रंथ हमारे उपलब्ध हैं, जो ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं, हजारों ग्रंथों का उन्होंने उद्धरण, और बहुत ही अगर वो चीज़ आएगी, वो जन सामान्य के मतलब की नहीं है कि वो शोध परक चीज़ है, गणित को लेके जितना काम अभी तक किसी ने किया, जितनी विश्वविद्यालय में PhD हुई हैं सबके नाम, और जैन आचार्यों ने गणित पर कितना काम किया है, और कितनी जैन गणित की विशेषता, जैसे आप अंग गणित पढ़ते हैं, विगणित पढ़ते हैं, हमारे जैन धर्म में इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन गणित को लेके हजारों और कैट लोगों की चर्चा, दूसरी पांडुलिपि, और जो हमारे धर्मग्रंथ किस तरह से कहाँ कहाँ कितने देशों में वे पांडुलिपि, आपको सार बता रहा हूँ, और एक वनस्पति पर लेकर के पूरा बोलम 125 पृष्ठ का, कितने जीव, कितनी जो वनस्पति की जातियाँ लुप्त हो गई हैं, कितने ग्रंथों में वनस्पति, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, भारत के वैज्ञानिक, विदेश के वैज्ञानिक, उन्होंने कौन कौन सी संज्ञा नाम दिए, और एक ज्योतिर्लोक को लेकर के, ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, इसको लेकर के उन्होंने करीब 125-150 पृष्ठ चार बोलम कल उन्होंने दिखाए। आगे रूपरेखा बनी है कि अभी तो उन्होंने मोटे रूप से मुझे मेन मेन चीज दिखाई हैं, अब जो उस विषय के 5 अधिकारी विद्वान रहेंगे उनके बीच में उसकी वाचना होके फिर वो प्रिंट होकर के और जो वर्ल्ड के जितने शोधार्थी हैं उन सब के बीच में, उससे जैन से मतलब नहीं, अजैन से मतलब नहीं, दिगंबर श्वेतांबर से मतलब नहीं, लेकिन जितनी पांडुलिपियों में जितनी चर्चा है ऐसी फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर और जो साइंस के विशेष विषय हैं, तो कल इसलिए लोगों को कहा कि बाहर से दर्शन कल ने लोगों को थोड़ा बहुत हो सकता है लगा हो, तो एक से एक लोग हैं, काम करने वाले हैं, डॉक्टर अशोक जी ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय, जो अभी अमेरिका से लौट के आए, हमेशा विदेश जाते रहते हैं, उनसे हमने वो वनस्पति को लेके कितनी जैन आचार्यों का देन, और जैन आचार्यों ने जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले तीर्थंकरों ने कही, आज उन्हीं बात को वैज्ञानिक रिसर्च करके फिल्टर के दे रहे हैं, उन सबको तो नोबल पुरस्कार मिल रहा है, हमारे तीर्थंकरों को आचार्यों ने किसी ने एक भी नोबल पुरस्कार नहीं दिया, सारी मेहनत तुम्हारे आचार्य तीर्थंकरों की, और माल को दूसरा लूटता, हमने पैकेज बना दी, मार्का ब्रांड बना दिया और से मिल रहा है। खैर इस बात को
पूरे वर्ल्ड के लोग मानते हैं, मैंने कई बार आपसे कहा है, सबसे विपुल साहित्य। और जो पांडुलिपि वाली थी उसमें हांगकांग में कितनी पांडुलिपियाँ हमारी भारत से गई हैं, जैन पांडुलिपियाँ, हस्तलिखित पांडुलिपियाँ, वेदों की पांडुलिपियाँ, अन्य जितना भी काम हुआ है और जो हमारे आचार्यों ने लिपिबद्ध किया है, तो चरम पर भी है हमारे जैन आचार्यों ताड़पत्र की प्रति भोजपत्र, किंतु किसी चमड़े पर उन्होंने कोई ग्रंथ की रचना नहीं की है। और भी ऐसी बहुत तरह की मैंने कुछ चीज़ें आपके बीच में रखी हैं जिनकी लेके कल चर्चा चली, तो वो कह रहे हैं कि एक एक वर्ष का ये दिया है हम लोगों ने, तो एक वर्ष में पांडुलिपि आई, और वह पांडुलिपि पूरे वर्ल्ड के लिए, अनुसंधानकर्ताओं के लिए, जितनी भी पांडुलिपियाँ हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, किसी भी आचार्य के और किसी भी मजहब के हों, उन्होंने संभावना व्यक्त की है। तो हमारे जैन आचार्यों की जो कृतियाँ हैं, हमारे तीर्थंकरों की जो वाणी हैं, और उनमें सारा विज्ञान, जैन धर्म तो पूरा वैज्ञानिक दर्शन है, यह बात अलग है, हम लोगों के सामने उस तरह से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। इसी भाव के साथ 24 घंटे का नियम, आज का नियम है, ऊपर से नमक नहीं लेना है, जो सब्जी दाल में डलाओ ठीक, क्योंकि यह नमक जहर का काम करता है, लिमिट के अंदर लो तो ठीक, और ज़्यादा नमक खाओगे तो आपको अल्सर की शिकायत। और बाजार के मिर्च मसाले, ये बड़े बूढ़े यहाँ बैठे हैं, पहले हमारे यहाँ घर में पिसा नमक नहीं आता था, उसे सनीचर असम मानते थे, अब आयोडीन क्या चक्कर है, आयोडीन के नमक बहुत चल रहा है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, बाजार के मसालों का ये किडनी और लीवर पर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये बाजार के मसाले, थैली वाले मसाले हैं, हमारे यहाँ घर में तैयार करते हैं, मीसी आ गई है, पहले शुरू रहता था, अब तो मीसी में डालो तैयार मसाले, और जो सामान्य लोग हैं मुसलमानों के यहाँ आज भी रोज ताजी मसाले होंगे, वो हम तो बाजार के और साजे मसाले, खड़े मसाले तो महंगे मिलेंगे और पिसे पिसाए सस्ते मिलेंगे। भैया ऐसा क्यों, पूरा बारदाना भी, पूरा स्टाफ का खर्चा भी निकालता उससे, तो ये बाजार के शक्ति भोग टाटा और जितने बाजार के पिसे हुए ये जो आटा है बाजार का, और बाजार के जितने मसाले हैं, ये सब बीमारियों की जड़ है। और रोज फ्रूट इंस्पेक्टर, रोज आपको राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बरसात में पानी जिन चीज़ों में है ऐसी बनी हुई कोई चीज़ें पैक बंद मत खाओ, ये रोज आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट। लेकिन मज़ा तो बाजार के मसालों में और बाजार के ब्रांड में जो मज़ा आता है, वह घर की पत्नी और माँ और बेटी के हाथ का नहीं आता। या तो बेटा मज़ा ले लो, फिर शरीर का मज़ा हो ऐसा निपटेगा कि बीमार होगे, अल्सर होंगे, इसलिए हमें घर में ही ताजी चीज बनाएं और इन सब चीजों में विवेक से काम लें, अहिंसा विश्व धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, सीएस संदीप कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अनुश्री जैन, चिराग जैन, A251-252 लाल कोठी स्कीम, वर्धमान पथ, न्यू विधानसभा के पास, जयपुर 302015।